वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बीट रूट और शलगम की सब्जी। अब जब बीट रूट और शलगम को हमने एक साथ मिलाया तो वो कैसी होगी? खट्टी मीठी सब्जी। चलिए मेरे साथ आज एक साथ सीखते हैं फिर से। यहाँ हमने एक बीट रूट, एक शलगम और एक प्याज लिया है। थोड़ी सी कलौंजी, मेथी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हमें ये सब्जी बिना हल्दी के पसंद है इसलिए हम हल्दी नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम शलगम, प्याज और बीटरूट को अच्छी तरह काट लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। एक कढ़ाई में धीमी आंच पर हम एक कड़छी तेल को गरम करेंगे। जब वो गरम हो जाएगा उसमें हम कलौंजी और मेथी डाल देंगे। प्याज को भूनेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जब वो हो जाए तो उसमें बीटरूट शलगम को डाल देंगे। और दोनों को डालने के बाद हम उसको थोड़ा हिलाएंगे। हिलाने के बाद उसमें नमक एक चम्मच, मिर्च स्वादानुसार और गरम मसाला डालेंगे। यदि आप इस समय उसमें हल्दी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, हमने नहीं डाली है। मैं पुनः बताना चाहूँगी, हल्दी इस रेसिपी में ऑप्शनल है। यदि आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसे ढककर धीमी आंच पर ही पकाएंगे। याद रखिए हमने इसमें पानी नहीं डाला है, हमने इसको धीमी आंच पर ही बनाया है। अब हम थोड़ी देर बाद इसको जब हमने चेक किया तो देखते हैं इसका रंग कैसा हो जाता है, एकदम पिंकिश हो जाता है। और हम इसे चेक करेंगे कि ये गली या नहीं गली। तो हम वो कैसे चेक करेंगे, हम इसकी बीट रूट और जो शलगम हमने डाली है उसको हम तोड़ के देखेंगे। यदि वो आसानी से टूट जाती है तो वो अच्छे से गल चुकी होती है। आशा है आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको दाल और चावल के साथ खाओ और क्या मज़ा आ जाता है। सब्जी बताओ, मेरी तो फेवरेट सब्जी है। और फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको एक और बात बता दूँ, ये रेसिपी मेरी मम्मी की अपनी है।